मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये हमारा लल्ला है। इस वर्दी में तो तुम बिल्कुल अफसर लग रहे हो। हाथ तुम्हारी माँ होती कितनी खुश होती। देख रही हो मूला, तुम्हारा बेटा क्या हो गया है, बिल्कुल अफसर बन के आया है। बाबूजी, ये सब आपका आशीर्वाद है। नहीं बेटा, ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है लल्ला, तुम्हारी मेहनत का फल है। बाबूजी, अब मैं लल्ला नहीं रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ। तू और भी बड़ा हो जा, पर मेरे लिए तो लल्ला ही रहेगा तू। मेरे लिए तो सब कुछ आप है बाबूजी, माँ बाप भाई बहन आप ही तो है। देखा ना, अब तू कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, अब तो तू वास्तव में बड़ा हो गया है। अच्छा लल्ला, अब जब तू बड़ा हो गया है तो तेरे विवाह की बात चलाऊं? अरे बाबूजी, अभी विवाह की क्या जरूरत है बाबूजी? अरे जरूरत तो है बेटा, अब मेरी भी उम्र होने लगी है और इस घर में भी तो बहू होना चाहिए ना। अरे बाबूजी, आप परेशान ना हो, जब होनी होगी हो जाएगी। परेशानी तो है बेटा, अब हमें भी तो इस उम्र में कोई सेवा करने वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ गए बाबूजी, अब आप शादी कराना ही चाहते हैं तो करा दीजिए, सब आप ही को तो करना है। ये हुई ना बात, हम आज ही जाते हैं चरैला रोपुरवा में, तेरे विवाह की बात करके आता हूँ। वर्ष 1931 में नलई सिंह जी का विवाह श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव के साथ हुआ। वो टाइप एवं शॉर्ट हैंड में पारंगत थे। उन्होंने वर्ष 1933 में सशक्त पुलिस कंपनी में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु परीक्षा दी, जिसमें उनका चयन मध्य प्रदेश के मुरैना में हो गया। मानवता व समाजवादी विचारधारा होने के नाते पुलिस कर्मियों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर संघर्ष करने लगे। पुलिस कर्मियों के लिए एक सीढ़ीदार बावली बनी थी, जिसमें वो नहाते थे और उसी का पानी वो पीते भी थे। वो गंदा पानी पीने से कई पुलिस कर्मी बीमार पड़ जाते और कई तो मर भी जाते। लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि उनका कंपनी कमांडर उन बीमार पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति ना देता। ललई सिंह जी ने संगठित व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और बाकी पुलिस कर्मियों में क्रांति के दीप जलाए। इसके कारण वर्ष 1935 में उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया। लेकिन उनके द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी सच्चाई को देखा और जल्द ही उन्हें सेवा में बहाल कर दिया। हाँ, फौज में SIM की परीक्षा में उनका चयन हो जाता, जिसके बाद उस फौज में अपनी सेवा देने लगते और फौजियों की तमाम समस्याएं उनके सामने आने लगती और फौजी लोग भी उनके अंदर अपने भविष्य की संभावनाएं देखने लगते। पीछे जो बात करे फोन पे बाहर भगा दो। वर्ष 1939 में नलई सिंह जी की पत्नी का निधन हो जाता और उसके 7 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 1946 में उनकी बेटी शकुंतला, जो कि उस समय केवल 11 वर्ष की थी, उसका भी निधन हो जाता। ललई सिंह जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि लोगों ने उन पर दूसरी शादी का भी दबाव बनाया, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिया।
फौजियों द्वारा स्थापित वर्ष 1946 में नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की गई, जिसमें कि सर्वसम्मत से ललई सिंह जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। और अपने पहले संबोधन में ललई सिंह जी कहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना अगुवा चुना। देखिए, हमारी तनख्वाह सिविल सिपाहियों के अपेक्षा बहुत कम है। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें सिविल सिपाहियों की तरह हमें सहूलत दी जाए। आप लोग हमारे साथ ये नारा दोहराएं, डाउन डाउन यूनियन जय, यूनियन जय, यूनियन जय, डाउन डाउन सिंधिया फ्लैग, सिंधिया फ्लैग, सिंधिया फ्लैग, जनता का जनता पर शासन हो, शासन हो, शासन हो। साथियों, हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी तनख्वाह में कम से कम 10 रुपए की बढ़ोतरी की जाए। हमने सिपाहियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिपाही की तबाही। इसको विशेष अधिकार द्वारा लेफ्टिनेंट ने जब्त कर लिया है, लेकिन हमारे टाइपिस्ट भाइयों ने उसकी कुछ प्रतियां छुपा ली हैं। मैं चाहता हूं हमारे सिपाही भाई उस पर नाटक करें, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? यस सर, हम तैयार हैं। हमें आप लोगों से यही उम्मीद है, तो जाइए नाटक की तैयारी करिए। यस सर। आइए देखते हैं ललई सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक सिपाही की तबाही का दृश्य। आज 15 तारीख है, बाबूजी मेरी सलवार और शमीज दोनों ही फट गई, इनमें कई पैबंद लगे हैं। साथ की लड़कियां मेरी बेइज्जती करती हैं, मुझे बहुत शर्म लगती है, नहीं दिला दीजिए। तुम्हारे दोनों कपड़े हम पहली तारीख को सिलवा देंगे, दुखी मत हो, बस मन लगा कर पढ़ाई करो। आपकी लड़कियां जो बकती उनको बकने दो ना। वो ऐसा क्यों कहती है? बेटी, ये तो पुरानी परंपरा है, जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ऐसी बातें नहीं किया करेंगे। कुछ दिन रुको, सब अच्छा हो जाएगा। आज 20 तारीख है, तो वो मेरी पिटाई करेंगे।